हिंदुस्तान के गांवों के स्वाद ही निराले हैं। कहीं खेतों की मुस्कान तो कहीं जलाशय के किनारे हैं, कहीं पशुओं की हलचल तो कहीं सूर्यास्त के नज़ारे हैं। सच बताओ तो असल में गांव के लोग भी बड़े प्यारे हैं। तो चलिए विशाल दवे के साथ गांव की मिट्टी से रूबरू होते हैं। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीबॉडी, दिस इज विशाल दवे। आज हम आए हैं प्रकृति की गोद में। ये आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस व्लॉग में आज मैं आपको पूरे नेचर के दर्शन कराने वाला हूँ, प्रकृति के दर्शन कराने वाला हूँ कि यार हम जो है ना अपनी इस निजी जीवन में बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, लेकिन उदास रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ प्रकृति है, आपके साथ आपका नेचर है। नेचर है तो उदास क्यों रहना यार, नेचर का मज़ा लो, खुश रहो, आनंद में रहो, हंसो खेलो और विशाल देवे को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को पूरा देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ जिग्नेश के खेत में। जिग्नेश अबे कुछ बोल दे, कैमरा चालू है, ऐसा मत कर, मेरी ऑडियंस है ये यार, थोड़ी तो इज्जत करेंगी, बोल दे। देखो आपसे कितना शर्मा रहा है, इतना शर्माना नहीं चाहिए यार कैमरे से। तू मास कॉम का स्टूडेंट है ना भाई, हैं? देखो इसे कहते हैं मेहनती लड़का, ये है मेहनती लड़का जिसने खेतों में काम करना सीखा। ये है मेहनती लड़का, शांतता ठेवा। ये मराठी कब से बोलने लगा? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बंदे की मेहनत देख रहे हो भाई, कितनी मेहनत से बंदा काम कर रहा है भाई, कर काम कर। तभी तो करूंगा काम। ना 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 भाई, कैमरे से क्या होता है, कैमरे से इज्जत बनती है। बस करना। कहाँ से? म्यूजिक। ये काम आपको भी करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा काम है, ठीक है। गाय को, भैंस को, वैसे तो ये भी भैंस है, आप गाय को दे सकते हो घास, काफी अच्छा काम होता है। अभी हम हैं गोधरा में स्थित एक गांव जिसका नाम है दमाई। काफी कमाल का गांव है और ये आप देख रहे हैं कितना कमाल का खेत है। मतलब मुझे तो यार काफी ज्यादा मजा आ रहा है इस खेत में, सच बता रहा हूँ। जितना भी डिप्रेशन है ना, जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी आप डिमोटिवेट हो जाओ, एक बार ना गांव की तरफ जाओ, एक बार खेत की तरफ जाओ, सच में मोटिवेट हो जाओगे और काफी ज्यादा मजा आएगा। वहां पर मोर भी है, आय हाय हाय हाय। शायद आपको नहीं दिखेगा दूर से, लेकिन कमाल की जगह है यार, कमाल की जगह है। जब भी आपका मन करे या जब भी ऐसा लगे कि यार सिटी में मन नहीं लग रहा है, शहरों में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि शहरों में प्रदूषण है, शहरों में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है जिनके बारे में हमें पता है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, आप गांव की तरफ आइए और आप भी महसूस करेंगे कि सचमुच बहुत मज़ा आता है गाँव की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये गेहूँ की फसल है। इसे बनने में 3 महीने लगते हैं और 3 महीने बाद जब ये बन जाती है ना, तब सिर्फ 25% किसानों के पास रहती है और 75% ये सरकार को बेच देते हैं। सरकार को बेचने के बाद जो आप खाते हैं ना,
वो ये है। तो यार बहुत मेहनत लगती है इन फसलों को उगाने में और इन फसलों की देखरेख करने में, फर्टिलाइज़र यूज़ करने में बहुत मेहनत लगती है और तब जाके ये आपके पास आती है रोटी के रूप में। मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहूँगा कि कभी भी यार खाद्य पदार्थों को बर्बाद मत कीजिए। आपको अगर नहीं खाना है तो आप किसी और को दे दीजिए, लेकिन उसे बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा होगा यार विशाल दवे कैसे परिवर्तित हो गया और भाषण देना शुरू हो गया। हाँ तो कौन सी ऐसी नई बात कर दी तुमने? नहीं नहीं, मैं सिर्फ ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये गेहूं की खेती है जो मैंने अभी आपको दिखाई, एक बार और दिखा देंगे गेहूं की तरफ। आय हाय आय हाय, मतलब इस तरीके का माहौल, मैं मर जावा रब्बा में। हाय, क्या मस्त जगह है, आप सभी लोग देख रहे हैं, काफी कमाल की जगह है। ऐसी जगह लोग नहीं जानते यार, सच में यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, लोग हैं ही नहीं। गांव के अंदर ये स्थित है, कौन सा गांव मैं बार बार भूल जाता हूँ यार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अबे धमाई चल, धमाई गांव है, काफी कमाल की जगह है। ऐसी जगहों पे बहुत कम लोग आते हैं, प्रकृति का सुगम दृश्य आपको यहाँ से दिखता है। वैसे हमको यहाँ पर जल्दी आना चाहिए था, क्या करे, इसके कारण मैं लेट हुआ। इसको ठीक है, चलो भाई है अपना, आप क्या करें, मेरे से जल्दी उठा था। जाने दे, अब पब्लिक के सामने मुंह मत खुलवा मेरा, ठीक है। देखिए खूबसूरती देखिए इस जगह की। चलिए तो अब हम नीचे उतर रहे हैं, हमें वहां पहुंचना है। Are you serious? इतना खूबसूरत नजारा यार, हिंदुस्तान की जो सुंदरता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ के गाँव में मिलेगी। देखिए वडोदरा और रायपुर स्टेशन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज पहली बार मैं आपको एक ऐसा स्टेशन बताने जा रहा हूँ जहाँ पर रेल ही नहीं है, जहाँ पर पब्लिक ही नहीं है। तो वो स्टेशन कौन सा है पता है? पत्थर स्टेशन। यस, धमाई गांव में एक स्टेशन है जिसका नाम है पत्थर स्टेशन, जहां का सनराइज और सनसेट आपको मनमोहित कर देगा। और यहां पर यार पब्लिक ही नहीं है, रेल भी नहीं है, पब्लिक भी नहीं है, तो इस स्टेशन में आप आ सकते हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, इस स्टेशन में। चलो आगे। काफी कमाल की जगह है। हाय हाय, आपने कभी सांप को देखा है? अरे भैया नॉर्मली सांप की बात कर रहा हूँ, देखा है कभी? नहीं देखा? तेरी माँ। अच्छा, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन आज मैं जो चीज आपको दिखाने वाला हूँ ना इस वक्त, वो तो आपने देखी ही नहीं होगी यार। पत्थरों पे सांप होते हैं। मैंने तो पहली बार देखा, जिग्नेश ने मुझे दिखाया, मैं बोला यार ये क्या है, पत्थरों पे कैसे सांप हो सकते हैं, पाषाण पे सांप, क्या बात है। तो आज आपको भी मैं दिखाता हूँ कि पत्थरों पे देखिए नाग महाराज स्वयं विराजमान है पत्थरों पे, देखिए जरा। A few moments later, ये क्रिकेट कभी भी रंग बदल सकता है, आपको पता है। और हाँ एक और बात बता दूं, अगर ये फूंक मार दे ना, ऐसा मुझे तो नहीं पता लेकिन आसपास के लोग यहाँ के बोलते हैं कि अगर ये फूंक मार दे तो आपको अंधा या बहरा कर सकता है। अगर आप गांव तरफ जा रहे हो या जंगल तरफ जा रहे हो, इससे बच के रहिएगा, ओके। और भैंस जी कैसे हो? सब बढ़िया है यार, वाला सोने लग रहे हो ना आज, क्या बात है। चलो ठीक है, आज भरपेट खाना मिला लग रहा है आपको। वैसे आज तूने वाइट क्यों पहना है? खाली क्योंकि मैंने वाइट पहना है, नहीं तो दूसरे कपड़े नहीं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। दूर दूर तक आपको जंगल दिखेंगे, यहाँ से थोड़े देर आगे जाओगे ना तो अमेज़न का जंगल मिलेगा, कौन अमेज़न का सामने वो देखो।
ठीक है ठीक है। अरे अरे गुस्सा मत हो यार, गुस्सा मत हो। ठीक है, आगे छोटा सा जंगल मिलेगा, अगर आप यहाँ पर आए हो तो उस जंगल पे घूम सकते हो। अच्छा जंगल है, छोटे मोटे प्राणी आपको मिल जाएंगे, जंगली जानवर छोटे बड़े मिल जाएंगे। ठीक है, उतने बड़े बड़े नहीं मिलेंगे। और हम लोग भी घूमते मिल जाएंगे हम लोग भी घूमते मिल जाएंगे हम लोग जानवर है क्या बात करते हैं। A few moments later. तो यार अभी अभी हादसा हुआ हमारे साथ। हमारा जो माइक था वो इस रास्ते में आके हम लोग वहाँ से आ रहे थे और जस्ट यहाँ पर आए वैसे ही हमारा माइक टूट के गिर गया। पता ही नहीं चला माइक कहाँ गया। माइक तो मिल गया, माइक मिल गया, उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट माइक का जो होल्डर होता है ना जिससे हम माइक को स्टेबल करते हैं अपने फ़ोन के ऊपर, वो टूट गया यार। की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर मिल जाए लेकिन अभी तक वो मिला नहीं है। तब देखो यार कब तक वो मिलता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अब वो मिलेगा, और मिलेगा भी तो भी वो टूटा हुआ रहेगा क्योंकि उसका जो प्लास्टिक होता है वही टूट गया है। तो अब मुझे शायद नया ना पड़ेगा, वो टूट चुका है। क्या बोलूँ अब मैं, जब हम ट्रैवल करते हैं, जब आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग, अभी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है, अब उसमें क्या बोलें। ठीक है चलो आगे तो बढ़ना पड़ेगा, नया ले आएंगे आप सभी लोगों के लिए। लेकिन नुकसान हो गया यार, क्या करें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज मैंने आप सभी लोगों को ट्रैफिक माल की यात्रा कराई है गांव की। विश्वास करो यार, अगर आप शहर में रहते हो और आपने अभी तक गांव का अनुभव नहीं किया है तो मैं यही सलाह दूंगा कि यार गांव जाओ, थोड़ा सा घूमो, ठीक है, काफ़ी मज़ा आता है। अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, किसी भी तरीके का टेंशन है, गांव जाइए, वहां की खुली हवा में सांस लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये था मेरा आज का व्लॉग, मेरा आज का वीडियो, जहां पर मैंने आपको गांव की यात्रा कराई, मैंने आपको दिखाया कि गांव के अंदर कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। और अगर आप यहां पर आए तो इन चीज़ों का मज़ा लेना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। विशाल दवे को विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा।